सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि के योग सूत्र ग्रंथ के तीसरे अध्याय के पांचवें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह पांचवां सूत्र कहता है, तज्जयात प्रज्ञालोकः। छोटा सा सूत्र है, इसका अर्थ है कि उसके जय हो जाने पर, उसके अर्थात संयम के, संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ, तो उसके जय हो जाने पर प्रज्ञालोकः, प्रज्ञा का आलोक हो जाता है। तो यहां पर महर्षि पतंजलि हमें यह कहना चाहते हैं कि ये प्रज्ञा है, जैसे हमारी जो बुद्धि होती है, पहले आप मन समझ लीजिए, मन से जो छोटा और सूक्ष्म स्वरूप और ज्यादा विलक्षण स्वरूप है वो बुद्धि है। मन अर्थात वो कुल जो हमारा चेतन स्वरूप है वह हुआ। और उस चेतन स्वरूप में जहाँ पर की सूचनाएं जमा होती हैं, जहाँ के माध्यम से सारा शरीर को नियंत्रण किया जाता है, जहाँ इस तरह की भावनाएं और विचार उदित होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक हैं, जहाँ दुख, दर्द, सुख, तमाम तरह की जो संवेदनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, सुख, दुख, प्रशंसा, हर्ष, उल्लास, उन्माद, जिजीविषा, ये सभी चीजें जहाँ पर होती हैं, वैराग, त्याग, ये सब सब इन सब को मिला करके, जहाँ चित्र भी होते हैं, गंध की सूचनाएं होती हैं, श्रवण की सूचनाएं होती हैं, रस की सूचनाएं होती हैं, और जहाँ से उसे नियंत्रण भी किया जाता है, ये सब सब मन के तहत आते हैं। उस मन का ही जो सब जो विलक्षण सूक्ष्म स्वरूप है वह बुद्धि है, जो कि इन तमाम तरह के सूचनाओं को विश्लेषित करता है। लेकिन कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो शरीर के भीतर का जो मेटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, शरीर के भीतर की जितनी गतिविधियां हैं अंदर की, तो और भी जैसे स्वप्न है हमारे, उन सब का रेगुलेशन है, जागना है, उठना बैठना है, चलना है, मांसपेशियों की कार्यविधि है, उन सब का जन्म है, विकास है, उत्तक और कोशिकाएं विभाजित होती हैं, चलती हैं, डीएनए और क्रोमोजोम्स, ये सब सब गतिविधि करते हैं, ये बुद्धि के दायरे के तहत नहीं आते हैं, इसलिए बुद्धि इनका कोई विश्लेषण नहीं कर सकती, परंतु इसकी गतिविधि तो हो रही है। तो वह हम हमारा मन का और जो सूक्ष्म स्वरूप है वह देखता है। वैज्ञानिक सिर्फ उसको कहा जाते हैं नॉन वॉलेंट्री सिस्टम,
जो हमारे नियंत्रण में नहीं है वैसा सिस्टम, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम। तो यह जो ऑटोमेटिक सिस्टम है इसको भी हमारा मन का कोई हिस्सा देखता है, लेकिन उसकी सूचना हमारी बुद्धि को नहीं दी जाती है, क्योंकि बुद्धि उसमें कुछ नहीं कर सकती है, वो बुद्धि का क्षेत्र नहीं है। तो यह किसका क्षेत्र है, या बहुत सूक्ष्म स्वरूप है इसका जिसका क्षेत्र है, या प्रज्ञा का क्षेत्र है। और हम बुद्धि का भी देखेंगे तो बुद्धि भी जो विश्लेषण करती है और उसके बाद कोई निर्णय लेती है, कुछ अपना हित अहित सोचती है, फिर उसके हिसाब से भला बुरा जो नैतिकता होती है, मोरालिटी होती है। अब मोरालिटी नैतिकता क्या है, यह हर एक प्राणी में होता है। ऐसा नहीं है कि कोई धर्मशास्त्र ने बनाया इसलिए कोई मोरालिटी है, कोई एथिक्स है, ऐसा नहीं है। हमारे में है ऐसा, इसलिए हम लोगों ने शास्त्र बनाया। और यह क्या होती है, या जैसे कि जो चीज हमें अपने जीने के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने सुख के लिए जो चीज अच्छी लगती है, और वही चीज हम दूसरों को भी वह अधिकार देना चाहते हैं और दूसरों को भी उसी में सहयोग करते हैं, उसमें बाधक नहीं बनते, वही नैतिकता होती है। जैसे हमने चाहते हैं कोई हमें गाली दे क्योंकि हमें खराब लगता है, तो उसी तरह का व्यवहार हम दूसरे से करते हैं कि भाई उसे भी बुरा लगेगा इसलिए हम वह नहीं करते हैं। यह नैतिकता होती है। हम दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहते, मारना नहीं चाहते, क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि वो ऐसा हमारे साथ ना ही हो। तो इस तरह से ये मॉरलिटी और एथिक्स की उत्पत्ति होती है, और ये सभी जीवों में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों में ही है। कोई भी जीव अनावश्यक किसी अन्य जीव को परेशान नहीं करना चाहता। अपने जैसे जीव को परेशान नहीं करना चाहता। तो ये सब एक मॉरलिटी होती है, एक तो अपने जीवों के अंतर्गत और दूसरे दूसरे जीव है उनके अंतर्गत। अब इसके बाद बात उठती है कि इस तरह की चीजें कहाँ होती है जो यह निर्धारित करती है। ये बुद्धि का खेल नहीं होता, यह जो होता है यह विवेक का होता है। विवेक फैसला करता है क्या भला है, क्या बुरा है, क्या होना चाहिए, वह चाहिए पर वह आइडियल स्थिति पर जाता है, बुद्धि आइडियल स्थिति पर नहीं जाती। बुद्धि का वह हिस्सा जो ऐसी आइडियल स्थिति की ओर जाता है, जो मानव को मानव बनाता है, फिर मानव से और आगे देव की ओर ले जाता है, देव से और आगे और ब्रह्म की ओर ले जाता है, ब्रह्म की ओर ले जाता है। तो इस तरह से क्रमशः जो हमारी अवस्थाओं का विकास करता है। विकासवाद को कुछ लोग सोचते हैं कि विकासवाद का मतलब इतना ही है कि हमारा शरीर जो है ऐसा हो गया, हम तब से हो गए, हमारे दांत ऐसे हो गए, हमारे पेट ऐसे हो गए, हमारे हाथ पैर ऐसे हो गए, हमारा जो मस्तिष्क है उसकी क्रैनियल कैपेसिटी इतनी हो गई। तो ये इस तरह का विकास, यह एक विकास है, लेकिन यही एकमात्र विकास नहीं है। सिर्फ हमारे भौतिक अंगों का ही विकास नहीं है, हमारी अवस्थाओं का भी विकास होना चाहिए। हमारे में पशुपन है, हमारे में मानवपन है, हमारे में दानवपन है, यानी पशुओं से भी जो नीच अवस्था है वो दानवपन की है। हमारे में शैतानीपन होता है, हमारे में उसी तरह से देवत्व होता है, यानी श्रेष्ठ साधु जन महात्मा जन का गुण होता है, और हमारे में ईश्वर स्वरूप का गुण भी होता है। तो जो सनातन धर्म है वो कहता है कि उन सभी गुणों का एक्सप्लोर आपको करना है, वहां तक ले जाना। तो यह जो बताने वाला है यह कौन है, यह विवेक है। विवेक निर्धारित करता है अच्छा भला बुरा, और बेहतर की ओर ले जाने की बात विवेक करता है, सोचता है कि और आगे यहाँ से कहाँ जा सकते हैं आगे। कुछ लोग सोचते हैं अब हो गए, अपना पहुँच गए, हो गए। कुछ लोग सोचते हैं रैशनलिस्ट हो गए, हो गए, हम किसी को रीजन से जज कर पा रहे हैं, बस इतनी ही हमारी उपलब्धि है और इतनी ही तक हो सकती है उपलब्धि, से आगे नहीं। ऐसा नहीं है,
रैशनलिस्ट होना, विचारक होना, एक अच्छा विचारक हो जाना ठीक है, परंतु हम लोग का अस्तित्व सिर्फ विचार मात्र नहीं है, तो उससे आगे और जाना। यह कौन? यह हम लोग के भीतर का जो विवेक है वह बतलाता है। अब वहां से फिर हम आगे जाते हैं, वहां से फिर साधना करते हैं, कैसे आगे जा सकते हैं, तब फिर विवेक हमें और उपाय बताते हैं, और उसके जरिए फिर क्या है कि विवेक का ही और जो सूक्ष्म स्वरूप होता है और विशिष्ट स्वरूप जो होता है वह होता है प्रज्ञा। वह फिर हमें देवत्व, ब्रह्मत्व की ओर ले जाता है, स्वरत्व की ओर ले जाता है वह प्रज्ञा। तो उस प्रज्ञा का आलोक यहां पर बता रहे हैं, जो चिंतन से आगे चला जाता है। विवेक तक तो चिंतन है, लेकिन प्रज्ञा लोक जो है वह चिंतन लोक नहीं है। वहां चिंतन कैसे होता है, उसका डायनेमिज्म क्या है, उस पर तो है बात, लेकिन वह अपने आप में चिंतन लोक नहीं है। यानी वहां पर भिन्न भिन्न विचारों का विचार नहीं होता है, बल्कि विचार के स्वरूप का विचार होता है प्रज्ञा लोक में। यानी विचार कैसे बनते हैं, उनका रूप रंग आकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और भाव कैसे बनते हैं, भाव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका स्वरूप क्या है, कहाँ बनता है, उसका लोकेशन क्या है, और किससे बनता है, उसका प्रिकर्सर क्या है, जिस चीज से वो बनता हो, जिन जिन चीजों से वह बनता हो, तो उसकी अनुभूति करना। सिर्फ बनता क्या है, सिर्फ वैचारिक रूप से सोचा नहीं जाएगा, बल्कि उसको फील किया जाएगा, महसूस किया जाएगा। जैसे आंखों से या जीभ से हम लोग किसी चीज को फील करने की शुरुआत करते हैं, भले फील माइंड में होता है लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है, उसी तरह से इसकी जो शुरुआत होती चली जाती है, जैसे स्वाद की शुरुआत जीभ से होगी, फिर मन में जाएगा, बुद्धि में, फिर विवेक में, अच्छा बुरा स्वाद क्या है, फिर प्रज्ञा में जाएगा कि यह स्वाद जो है कैसे बनता है, कौन इसको फील करने वाला है, कैसी फीलिंग है इसकी, इसका एहसास, प्रत्यक्ष एहसास, यह प्रज्ञा का काम है। तो वह आलोकित हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि शरीर की जितनी बारीक एटॉमिक और सब एटॉमिक और पर एटॉमिक जो भी फेनोमेना है, जिससे हमारा शरीर वर्क कर रहा है, जिससे हमारा शरीर खड़ा है, उन सभी की सपने कैसे होते हैं, कैसे कहाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, इन सभी के विषय में बोध कराने वाला जो है वह प्रज्ञा है, जो विवेक का सूक्ष्म स्वरूप है। तो विवेक बुद्धि का सूक्ष्म स्वरूप है और इसका सूक्ष्म स्वरूप प्रज्ञा है। तो वह प्रज्ञा जो है आलोकित हो जाती है, आलोकित हो जाती है यानी प्रकाशित हो जाती है, यानी उसका आपको बोध होने लगता है, वह आप महसूस कर सकते हैं। तो यह किस चीज से होता है? संयम से। संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि से यह प्रज्ञा का आलोक होता है। यह पतंजलि जी का यहाँ पर संदेश यह कहना चाहते हैं। और फिर उस प्रज्ञा के बाद तो फिर हम उसके बाद फिर आत्मा में ही प्रवेश हो जाता है। यानी प्रज्ञा का ही और सूक्ष्म अति सूक्ष्म स्वरूप जो होता है, जिसका कि अब उसके आत्मा के विषय पर भी आएंगे तो उसका एक नहीं, फिर उसके भी कई फेज हैं और कई स्तर हैं, जिसमें कि सूक्ष्म आत्मा है, या तो देह आत्मा की बात हो रही थी अभी तक, ये सारे मिलकर के देह आत्मा कहलाएंगे, आत्मा के लिहाज से, उस भाषा से। यानी प्रज्ञा तक जो है वो आत्मा कहलाएंगे, कौन सी आत्मा? देह आत्मा, और देह आत्मा। और यदि यही एक वस्तु हो, ठोस हो, तो उसको कहेंगे भूत आत्मा, इसी स्तर पर जाने। तो यह भूत आत्मा और देह आत्मा का अंतर होगा। और उसके बाद फिर है सूक्ष्म आत्मा। वह सूक्ष्म आत्मा जिसके विषय में कहा जाता है कि शरीर एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को गमन करता है, फिर उसकी यात्रा चलती है, वह जो है सूक्ष्म आत्मा है। और उस सूक्ष्म आत्मा का भी और सूक्ष्म स्वरूप है। अब वह जो सूक्ष्म स्वरूप है वह लिमिटेड नहीं है, वह अनलिमिटेड है।
जिसको दिव्य आत्मा कहा जाता है, उसी को यह कहा गया है कि वह अविभाज्य है, क्योंकि वह पदार्थ नहीं है। यहां से पदार्थ ये जो सूक्ष्म आत्मा है वहां तक तो कुछ ये मध्य स्थिति है, जिसमें कि कुछ मेटेरियल वर्ल्ड का कैरेक्टरिस्टिक्स है और कुछ चित्त स्वरूप चेतना स्वरूप का है। तो वह प्रज्ञा का सूक्ष्म स्वरूप जो सूक्ष्म आत्मा है, और उस सूक्ष्म आत्मा का भी सूक्ष्म सूक्ष्म स्वरूप जो है वह दिव्य आत्मा है, जो अविभाज्य है, जो पदार्थ नहीं है, जिसको कहीं आना जाना नहीं, जो विद्यमान ही विद्यमान है, जो है ही है। इस तरह से आप समझ लीजिए जो मैंने ये ग्रेड बताया है, वह अविभाज्य तत्व है, अशोष्य तत्व है, और उसका जन्म मरण नहीं होता है, उसके विकास का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहां कहा गया है कि प्रज्ञा आलोकित हो जाती है। तो प्रज्ञा का आलोक का मतलब इतना ही हो गया कि आपको इन सब वस्तुओं का, अपने शरीर का, इन सब सब का जो बोध है के गुण और गुण सब चीज के साथ आपको हो जाएगा। सत रज तम ये जो तीन गुण हैं, इन गुणों का भी बोध हो जाएगा, प्रकृति का बोध हो जाएगा। इसके बाद आपको सूक्ष्म आत्मा का भी बोध हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से बोध नहीं होगा, लेकिन बोध हो जाएगा वो वैसी स्थिति में जब आपकी धारणा जो है ध्यान में लीन हो चुकी है, ध्यान जो है समाधि में लीन है, तब उसका हो जाएगा, तब सूक्ष्म आत्मा का बोध जाएगा। और समाधि में भी जब निर्विकल्प समाधि, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, तो दिव्य आत्मा का बोध हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह आलोकित होता चला जाता है, इसी को पता नहीं दीजिए यहां पर कार है। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि आवरण है, आलोक को रोका हुआ आवरण है, उस आवरण को माया भी कुछ लोग कहे हैं। तो ये माया मतलब अर्थात यहाँ पर बाधा समझ लीजिए, और वो बाधा क्या है, वो अज्ञानता है, अज्ञान ही बाधा है। तो वह अज्ञानता जब हट जाती है तो हमें पता चलने लगता है, और वो अज्ञानता क्या है, तो यही सब जो स्थूल स्वरूप है, चेतना का जो स्थूल स्वरूप है, यही माया है, यही अज्ञान है, यही व्यवधान है। तो इनको आप समझ गए तो फिर आप समझ जाएंगे बाकी चीज़ों को। तो पतंजलि जी हम लोग को यहाँ पर यही निर्देश देना चाह रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ओम हरि।